नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, जब भी हिंदी साहित्य का जिक्र आता है तो मुंशी प्रेमचंद जी का जिक्र आ ही जाता है। साथियों, आज मुंशी प्रेमचंद जी जीवन परिचय के बारे में आज समझेंगे। साथियों, इनका जन्म 31 जुलाई 1880, स्थान लम्ही, वाराणसी। इनके पिता का नाम अजायब राय था, जो कि लम्ही गांव के डाक मुंशी थे, और इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। साथियों, 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता और 14 वर्ष की अवस्था में उनके पिता का देहांत हो गया। इसकी वजह से घर का सारा भार मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर आ गया और उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। मुंशी प्रेमचंद जी का पहला विवाह रीति रिवाज के साथ 15 वर्ष की उम्र में हुआ। मुंशी प्रेमचंद ने विधवा विवाह का समर्थन करते हुए शिवरानी देवी के साथ दूसरा विवाह किया। मुंशी प्रेमचंद की 3 संतानें थी, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। साथियों, उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्यापन से पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया। साथियों, 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म ए होशरूबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतननाथ सर्रार, मिर्जा हादी रुसवा और मौलाना सरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1910 में उन्होंने अंग्रेजी दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया और 1919 में बीए पास किया। बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। साथियों, प्रेमचंद ने अपना पूरा जीवन लेखन के प्रति समर्पित किया था। प्रेमचंद ने अपने जीवन में करीब 300 से अधिक कहानियां, लगभग 15 उपन्यास, 3 नाटक, 7 से अधिक बाल पुस्तकें और अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जो कि सभी रचनाएं अपने आप में अद्भुत और जनमानस पर अमिट छाप छोड़ती हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों की प्रसिद्ध इतनी अधिक हुई कि उनके प्रसिद्ध उपन्यास गोदान, क्रमभूमि, गबन, रंगभूमि पर हिंदी फिल्में भी बन चुकी है। साथियों, ये था मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथियों।